अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स, आप लोग का लेक्चर 4 है, सॉरी 5 है, फर्स्ट ईयर का। लास्ट टाइम हमने क्लास बाउंड्रीज, क्लास मार्क्स और क्लास मिड पॉइंट्स और टैली मार्क्स बनाना सीखे थे। नेक्स्ट आपके पास है कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी बनाना। कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी किस तरह से बनाते हैं, फ्रीक्वेंसीज को ऐड करते हैं। लेस देन, यहाँ पे उसने कहा है लेस देन 109.5, तो आपके पास इससे लेस कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है। यहाँ पे आपके पास स्टार्ट ही 110 से 119 तक हो रही है, 109 पे कोई भी नहीं है, तो आप उसकी जगह पे फ्रीक्वेंसी क्या लिखोगे, 0। नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी है 1, 4, 17 एंड सोन। यहाँ पे आपके पास 0+1, नेक्स्ट 1, फिर उसके बाद 1+, नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी वो क्या, 4, 5, 5+17, 7, 22, 22+28 एंड सोन। ये टोटल फ्रीक्वेंसी का आपके पास एंड वाली कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी पे आ जाएगा। सेम इसी तरह डी कम्युनिटिव जब बनाएंगे तो ऊपर की तरफ प्लस करेंगे 0, लास्ट वाली फ्रीक्वेंसी उसके पास 0+1, 1+2, 3, 3+5, 8, 8+6, इस तरह से आपके पास ये सारी डी कम्युनिटिव फ्रीक्वेंसीज आ गई। बिलो अगर आपके पास कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी में और मोर कह रहा है तो नीचे से आपने कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी टोटल करनी है, और अगर वो लेस देन कह रहा है तो ऊपर से आपने कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी टोटल करनी है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आपके पास होती है कि आपने टोटल फ्रीक्वेंसी पर हर क्लास की फ्रीक्वेंसी को डिवाइड कर देना है। अब जैसे टोटल फ्रीक्वेंसी का 120 आ रहा है और आपके पास फर्स्ट क्लास की क्या फ्रीक्वेंसी है, 1, 1/120, 4/120, 17/120 एंड सोन। ये इस तरह से सारी फ्रीक्वेंसीज निकले, डिवाइड करके इसे आंसर में लिख लो या इस तरह भी लिखकर आने दोगे तो भी कोई इशू नहीं है। उसके बाद रिलेटिव कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी की बनाना, वो किस तरह से, आपके पास फर्स्ट फ्रीक्वेंसी जो आई है, एक सेकेंड, नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी आपके पास 0, उसके बाद नेक्स्ट जो है लेस देन 119 से, तो 1/20, 1/20+4/20, 5/20, 5/20+17/20, 22/20, 120 एंड सोन। ये सारी आपके पास रिलेटिव कम्युनिटिव फ्रीक्वेंसीज निकल आई हैं। उसके बाद आपके पास आ जाते हैं ग्राफ्स। ग्राफ्स में आपके पास सबसे पहला ग्राफ है हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम के लिए ज़रूरी है कि आपके पास क्लास बाउंड्रीज हों, और अगर आपके पास क्लास बाउंड्रीज नहीं है तो आप क्लास बाउंड्रीज खुद बनाते हो। क्लास बाउंड्रीज किस तरह से बनाते हैं, लोअर क्लास में से माइनस कर देना है, ये आपके पास 12-11 डिफरेंस निकाला, डिवाइड किया 2 पे, वो आपके पास आ रहा है 0.5 लोअर क्लास में से माइनस कर देना है और अपर क्लास में ऐड कर देना है, तो आपके पास क्लास बाउंड्रीज आ जाएंगी। और ये आपके फ्रीक्वेंसीज है, क्योंकि क्लास बाउंड्रीज का इंटरवल जो है सेम नहीं है, इस वजह से क्लास इंटरवल साइज लिखा। फर्स्ट क्लास में डिफरेंस आ रहा है 2 का, 11.5 से 14 में 3 का, 14 से 19 में 5 का, 19 से 29 में 10 का एंड सोन। इन सब का जब क्लास इंटरवल साइज सेम ना हो तो हम हिस्टोग्राम के लिए प्रोपोर्शनल हाइट्स या एडजस्टेड फ्रीक्वेंसीज निकालते हैं। वो किस तरह से निकालते हैं, फ्रीक्वेंसी को उसके इंटरवल पे डिवाइड करके 4/2, 12/3, 25/5, जो ये वैल्यूज आएंगी इसको हम ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। अब ग्राफ पे प्लॉट करने के लिए आपके पास सिंपल, सबसे पहले आपने मिड पॉइंट्स लिखने हैं यहाँ पे सबके, और उसके बाद आपने जिस क्लास की जिस तरह से हाइट है उसके मुताबिक आपने उसका डिफरेंस लेना है। जैसे फर्स्ट क्लास के हाइट के आपके पास 2, तो आपने कम डिफरेंस मतलब 2 का डिफरेंस लिया, बॉक्सेस 2 इधर से छोड़े और 2 इधर से, और लाइन बनाई 4 का डिफरेंस है तो थोड़ा ज़्यादा डिफरेंस आएगा। उसके बाद 6, 8, 7 जो भी है उस लिहाज से डिफरेंस आएगा। ये हिस्टोग्राम है, और अगर आपने इसका बनाना हो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन तो आप हिस्टोग्राम के ये जो मिड पॉइंट्स होते हैं इनको मिला दो, तो आपके पास ये भी हिस्टोग्राम आ जाएगा इस तरह से, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कर्व आ जाएगा। जैसे ये मिलाया हुआ है इस तरह से, ठीक है, हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कर्व।